हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम अलैकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों वैकेंसी के बारे में, क्योंकि बहुत से भाई लोग बोलते थे भाई मेरे को हाउस ड्राइवर में जाना है, हम फ्रेशर हो, तो उनका भी वीजा आ गया है। और बहुत से भाई लोग बोलते थे भाई मेरे को शोडाउन में जाना है, 6 महीने के लिए जाना है, तो उनका भी वीजा आया हुआ है। दोस्तों शोडाउन का वीजा आया हुआ है कुवैत के लिए, और इसमें बहुत कम सर्विस चार्ज है, मतलब ये फ्री है, समझो एक तरफ से ये फ्री है दोस्तों। और दुबई का वीजा आया हुआ है दोस्तों एलएनटी कंपनी का, और इसमें कौन कौन सा ट्रेड है पूरा डिटेल में जानेंगे, और कितना सैलरी मिलेगा, कितना सर्विस चार्ज लेगा, कितने तारीख को इंटरव्यू है। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, आप लोग को पूरा डिटेल में मालूम चल जाएगा दोस्तों। मेरा ये काम नहीं है कि बस मैं आप लोग को वैकेंसी के बारे में बता दूं, मेरा काम वो है कि मैं जो भी वैकेंसी बताता हूं दोस्तों उसमें कितना सैलरी मिलता है और उसमें कितना सर्विस चार्ज लेगा, ये मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। क्योंकि बहुत से ऑफिस वाले क्या करते हैं, वो बस अपना वैकेंसी के बारे में बता देंगे और सर्विस चार्ज नहीं बताते हैं, वो बोलते हैं ऑफिस आइए विजिट कीजिए तो हम बताएंगे, तो ये मेरा काम नहीं है दोस्तों। मैं जो भी वैकेंसी का वीडियो बनाता हूँ पहले उस ऑफिस वाले से पूरा डिटेल ले लेता हूँ, इसमें कितना सर्विस चार्ज है और कितने दिन में काम हो जाएगा, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ठीक, ये पहला वैकेंसी आप लोग देख सकते हो दोस्तों कुवैत के लिए है, और ये शोडाउन भी जाए आपको इसमें 4 से 6 महीने के लिए जाना है, और इसका इंटरव्यू दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं 18 तारीख को है गोरखपुर में। और इसमें कौन कौन सा ट्रेड है आप लोग यहां देख सकते हो, इंसुलेटर है, उसका सैलरी दोस्तों 90 KD मिलेगा, प्लस फूड आपको फ्री मिलेगा, इसमें खाना फ्री है। सीट मेटर फिटर है, उसका भी सैलरी दोस्तों 80 से 90 KD मिलेगा और इसमें खाना फ्री है। ये जितना भी ट्रेड है दोस्तों इसमें पूरा खाना फ्री है दोस्तों। सीट मेटर फैब्रिकेटर, उसका भी सैलरी दोस्तों 80 से 90 KD है। इंसुलेटर फोरमैन, उसका भी सैलरी दोस्तों 150 KD है। स्काफ फोल्डर फोरमैन, उसका भी सैलरी 150 KD है। स्काफ फोल्डर सुपरवाइजर, उसका भी 150 KD है। सेंड प्लास्टर पेंटर, उसका सैलरी दोस्तों 90 से 95 KD है। स्प्रे पेंटर, उसका भी 90 से 95 KD है। स्काफ फोल्डर, उसका 90 से 95 KD है। और बता दूं इसमें पूरा आपको खाना फ्री है, और इसमें आपको बता दूं पीसीसी नहीं लगेगा दोस्तों, इसमें नॉर्मल मेडिकल लगेगा, और इसमें 8 घंटा काम करना है, और इसमें फिक्स दोस्तों 4 घंटा ओटी है, और इसमें पीसीसी आपका नहीं लगेगा, बस नॉर्मल मेडिकल होगा और आपको भेज दिया जाएगा, 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। अगर आप लोग इस काम में जाना चाहते हो तो आप लोग 18 तारीख को जाकर गोरखपुर में इंटरव्यू मार सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे तो मैं इसके ऑफिस का एड्रेस आपको दे दूंगा, और इसका सर्विस चार्ज मैं बता दूं दोस्तों एकदम फ्री है, मात्र आपको 20,000 रुपया देना है, बस टिकट का पैसा आपको देना है और आपका काम इसमें हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मात्र 20,000 रुपया में आप कुवैत जा सकते हो दोस्तों। ये दूसरा वैकेंसी आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये दुबई के लिए है और एलएनटी कंपनी है। आप लोग को मालूम होगा कि एलएनटी कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, ये पूरी दुनिया में काम करती है दोस्तों, अपने इंडिया में भी ये कंपनी काम करती है, और ये वैकेंसी दुबई के लिए दोस्तों। और इसका इंटरव्यू दोस्तों पटना में 16 तारीख को है, और इसमें कौन कौन सा ट्रेड है आप लोग यहाँ देख सकते हो, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, उसका सैलरी मिला है 1200 से लेकर 1400, और इसमें भी फ्री फूड है दोस्तों, इसमें भी खाना आपको फ्री मिलेगा। मैकेनिक टेक्नीशियन, उसका भी 1400 से लेकर 1600 फ्री फूड है। मैकेनिकल फिटर, उसका 1500 से लेकर 1800। सेटरिंग कारपेंटर, उसका 800 से लेकर 900। रेमिन ऑपरेटर, उसका सैलरी दोस्तों 1500 से लेकर 1800। मैकेनिकल फोरमैन 1800 से लेकर 2200। लैंड सुपरवाइजर हेल्पर 700 से लेकर 800। सिविल हेल्पर 700 से लेकर 800। और इसमें आपको बता दो इसमें खाना फ्री है, और इसका जो एज है दोस्तों 20 से लेकर 40 साल तक चलेंगे। अगर आप लोग इस काम में जाना चाहते हो तो आप लोग पटना में जाकर इंटरव्यू मार सकते हो 16 तारीख को, और इसका जो सर्विस चार्ज है दोस्तों वो 72,000 रुपया है दोस्तों। ठीक, और एक और वैकेंसी है दोस्तों दुबई के लिए, और आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसमें कौन कौन सा ट्रेड है आप लोग यहाँ देख सकते हो। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, जिसका सैलरी मिल रहा है दोस्तों 1400 से लेकर 1500, और इसमें आपको खाने के लिए 200 रुपया मिलेगा। प्लम्बर चाहिए, उसका भी 1400 से लेकर 1500, खाने के लिए 200। पाइप फिटर चाहिए, उसका भी सैलरी 1400 से लेकर 1500 मिलेगा, प्लस आपको 200 खाने के लिए मिलेगा, और इसमें पूरा में ओटी है दोस्तों, 8 घंटा आपको काम करना है, उसके बाद से आपको ओटी मिलेगा। और मैं आप लोग बता दूं इसका भी इंटरव्यू दोस्तों पटना में है 16 तारीख को। अगर आप लोग इस काम में जाना चाहते हो तो इनका नंबर लेके मेरे से आप लोग इनके ऑफिस पे जाके आप लोग इंटरव्यू मार सकते हो,
और इसका जो सर्विस चार्ज है दोस्तों वो 70,000 रुपया है दोस्तों, ठीक है। बहुत से भाई लोग बोलते थे भाई मेरे को कुवैत जाना है या सऊदी जाना है, हाउस ड्राइवरी में जाना है और मैं फ्रेशर हूं, तो उनके लिए भी वैकेंसी आ गया दोस्तों। आप लोग यहां देख सकते हो VIP फैमिली इन कुवैत, फ्रेशर कंडक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, फैमिली ड्राइवर चाहिए दोस्तों, और जो सैलरी मिल रहा है वो 120 KD प्लस इसमें आपको खाना मिलेगा और इसमें NCR पासपोर्ट चलेगा और जो एज है वो 24 से लेकर 35 साल तक रहना चाहिए और बेसिक आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। और आपको जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो आपको इंटरव्यू में गाड़ी चला के दिखाना होगा और इसमें आप PDF पासपोर्ट मेरे पास भेज सकते हो या मैं ऑफिस वाला का नंबर दे दूंगा उनके पास आप पूरा भेज सकते हो गाड़ी चलाते हुए वीडियो और अपना पासपोर्ट का जो CV है वो पूरा डिटेल वहां भेज सकते हो। और इसका सर्विस चार्ज थोड़ा सा महंगा है दोस्तों, क्योंकि सऊदी का और कुवैत का थोड़ा सा महंगा आता है, तो इसका सर्विस चार्ज दोस्तों 1,00,000 रुपया दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपको PCC लगेगा दोस्तों, ठीक है, बिना PCC के आप कुवैत नहीं जा सकते हो। मैं जितना भी वैकेंसी बताया दोस्तों, अगर आप लोग इस काम में जाना चाहते हो तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हो। अगर किसी भाई को इलेक्ट्रिशियन में जाना है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, वो भी पटना के ऑफिस पे आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग को किस काम में जाना है आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हो। अगर वैसा वैकेंसी आता है तो मैं वीडियो बना दूंगा या आप लोग के पास में मैसेज करके बता दूंगा दोस्तों। और मैं आप लोग बता दूं, कोई भी एजेंट या ऑफिस वाले का वीडियो देखकर आप लोग उस पर भरोसा मत कीजिए, पहले उस एजेंट या ऑफिस वाले के बारे में किसी और भाई से पता लगा लीजिए, फिर आप लोग उसके ऑफिस पे जाके आप लोग काम कराइए। आप लोग घर बैठे किसी भी अकाउंट में पैसा मत भेजिए दोस्तों, पहले उस एजेंट या ऑफिस वाले के पास जाकर ही आप लोग इंटरव्यू मारिए और कम से कम उसके ऑफिस पे जाकर ही अपना काम करिए और उसके अकाउंट में पैसा दीजिए, नगद आप लोग पैसा मत दीजिए दोस्तों। और कोई भी एजेंट या ऑफिस वाला अगर आपका साथ फ्रॉड किया है तो आप लोग एक छोटा सा वीडियो बना के मेरे पास भेज सकते हो कि कम से कम मैं लोगों को सावधान कर सकूं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।